हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव मी। दिस इज शिवांगी एंड दिस इज योर कलेक्टिव रीडिंग। ओके, सो यूवर्स इज देम की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। ओके, सो गाइज, आप मून साइन सन साइन से रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग देन माय व्हाट्सएप नंबर इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, सो यू विल कनेक्ट विथ मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो नाउ वी विल स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कैप्रिकॉर्न, दिस इज कलेक्टिव। अगर ये रेजोनेट होती है तो ही रखिएगा गाइस। थैंक यू सो मच डिवाइन कैप्रिकॉर्न, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके, सेवन ऑफ वांड्स, ये आपकी एनर्जी यहाँ पर, सेवन ऑफ वांड्स कैप्रिकॉर्न। ओके, सो हियर इज यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। ओके, आप यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप से, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, यू फॉलो योर हार्ट। ओके, आप अपना अपने दिल की बात मान रहे हो और आप अपने ही दिल का सुनना चाहते हो, बिकॉज यू हर्ट समथिंग पेनफुल एनर्जी। ओके, हियर सो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर हर्ट हो चुके हो इस रिलेशनशिप में, बिकॉज यू वांट समथिंग फुलफिलमेंट। ओके, आपको यहाँ पर इस रिलेशनशिप सब कुछ बहुत सारा चाहिए था। ओके, बहुत सारे विशेष थे, बहुत सारे कमिटमेंट थे, बहुत सारा आपका यहाँ पर एक प्लान बनाया था, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, बट समथिंग ब्रेकअप। ओके, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। सो राइट नाउ आप यहाँ पर अपने आप को कम्प्लीटली प्रोटेक्ट रख रहे हो और यहाँ पर आप अपनी दिल की बात मान रहे हो कि फॉलो योर हार्ट राइट नाउ, कि आप कोई हार्ट नहीं, आप कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको इंटरप्ट ना करे, लाइक दिस एनर्जी। ओके, सो कैप्रिकॉर्न नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेवन ऑफ वांड्स। सो क्लैरिफाई करते हैं सेवन ऑफ वांड्स को, द मून या द हर्मिट एंड फाइव ऑफ कप्स, अगेन फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, समथिंग यहाँ पर कुछ था, यहाँ पर मैनिपुलेटिंग या चीटिंग जैसा यहाँ पर रिलेशन इस पर्सन के साथ में हुआ है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी। ओके, आपके रिलेशनशिप में कोई तो भी आकर यहाँ पर जैसे डिस्टर्ब कर दिया है रिलेशनशिप को, इस तरह की एनर्जी आई। एंड इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो राइट नाउ यू फाइंड आउट द राइट वे कि इसमें से कैसे निकले, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि आप एक स्टक हो चुके हो, जैसे एक जैसे फीलिंग्स स्टक हो चुकी है या रास्ते जैसे रुक चुके हैं, सब यहाँ पर क्लोज हो चुका है, इस तरह की एनर्जी है और पूरी तरह म्यूट हो चुका है। आपको अभी भी ऐसा नहीं है कि ये पर्सन की याद नहीं आ रही है, मिसिंग एनर्जी है, समथिंग रिग्रेट्स भी है एंड पास का बार बार अभी भी याद आता है। एंड अगेन उसके वजह से आप और पेनफुल में अपने आप को दर्द में यहाँ पर लेकर जा रहे हो, इस तरह की एनर्जी है। ओके, सो यू ट्राई टू हील योर सेल्फ। ओके, ऐसा यहाँ पर है कि अभी जो प्रोटेक्शन में आप अपने आप को रख रहे हो, कि आप ट्राई कर रहे हो कि अपने आप को हील करें एंड इमोशन से थोड़ा सा डिटैच हो जाए, इमोशनली थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखे, किसी के लिए इतनी ज़्यादा इमोशंस ना रखे। सो इस तरह का आपका यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर पीक हो रही है। ओके, इस तरह की एनर्जी है। सो आपको जैसे चाहिए था, ओके, उस तरह से यहाँ पर रिलेशन नहीं बना। ओके, आप डिज़ायर लव चाहते थे ये पर्सन से, डिज़ायर लव, बट यहाँ पर ऐसा हो गया कि शायद दोनों में कुछ फाइनेंशियल इशू आ सकता है, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, समथिंग इस तरह।
सो अब यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है आगे क्या करना, सो यू आर टेकिंग योर डिसीजन योर ओन वे एंड योर विजडम. आप यहाँ पर अपना ही विजडम या अपना एक फ्रीडम लेना चाह रहे हो कि नो दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म सर्व और कमिटमेंट रिलेशनशिप. सो यू रियलाइज ऑल दिस थिंग्स. सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है. सो यू वॉन्ट टू मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. ओके सो कैप्रिकॉर्न, सो नेक्स्ट देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर क्या है. आप यहाँ पर इस रिलेशन से निकलना चाह रहे हो बिकॉज बहुत धीरे धीरे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा धीरे धीरे डाउन 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 होते जा रहे हो. ओके सो हील योर सेल्फ एंड अपग्रेड योर सेल्फ गाइस. ओके थैंक यू. सो कैप्रिकॉर्न योर पर्सन एनर्जी इन द सेम सिचुएशन. Three of Swords. This person break down this relationship, okay? और ये जो भी है person, ये भी अपने एक painful energy चल रहा है. And मैंने कहा ना यहाँ पर something third party issue, okay? So यहाँ पर कोई है यहाँ पर कि जैसे ये person duality में चल रहा है, okay? So he or she have another choice, okay? That's why यहाँ पर जो भी है यहाँ पर ब्रेक डाउन हो चुका है. सो टू ऑफ सॉर्ट्स, ये पर्सन फिर से यहाँ पर जगलिंग कर रहा है एंड ये अपने ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहा है. ओके सो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कहने कन्फ्यूज ठीक है कन्फ्यूज तो नहीं, बट ये आपके तरफ एक ब्लाइंड मीन्स ब्लाइंड है, आपके लिए ज़्यादा सोच नहीं पा रहा है. अपने ही जो उसने जो एक्शन लिया होगा या उसने दैट पर्सन जो भी उसने अपने इस रिलेशनशिप में जो भी उसने एक्शन लिया या जो भी उसने किया है अब उसी में वो उलझ चुका है. सो वो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि वो यहाँ पर जैसे बिखर चुका है ये पर्सन. ओके और इसको ही अपने उलझे हुए सवाल क्वेश्चन है और उसके आंसर खुद ही ढूंढ रहा है लाइक दिस. ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है. सो लेट्स सी क्लैरिफाई थ्री ऑफ सॉर्ड्स हियर. थ्री ऑफ सॉर्ड्स एक यहाँ पर कह सकते हैं कि एक समथिंग सेल्फिश टाइप एनर्जी. ओके बिकॉज दैट पर्सन कैरी द अनदर रिलेशन. ओके हियर थ्री ऑफ सॉर्ड्स प्लीज क्लैरिफाई. ओके टेन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स. ओके सो यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का ये. सो कैप्रिकॉर्न यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है कि इनके जो विश फुलफिलमेंट थी या जो भी ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके साथ में देने वाले थे, ओके जो इन्होंने ब्रेक कर दिया या इन्होंने ब्लॉक कर दिया, नाउ ही इज़ रियलाइज यू आर राइट पर्सन. ओके और अब इनको लग रहा है कि ये मिसिंग एनर्जी आ रही है इनके. और यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि अब इनको लग रहा है कि आप सोलमेट बहुत बढ़िया थे, आप वो पर्सन थे जो पर्सन आप लविंग और केयरिंग एनर्जी कैरी करते थे और अब इनको यहाँ पर आपकी वैल्यू पता चल रही है ये एनर्जी. सो ग्रेट कैप्रिकॉर्न, अब इनको जाकर आपकी वैल्यू यहाँ पर पता चल रही है, चाहे इनके पास में चॉइस हो. दैट्स वाई इज़ इन द पेनफुल एनर्जी राइट नाउ कि इनके पास में चॉइस होने के बाद में भी ओके ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं. ओके जस्ट ही और शी जो भी होंगे ये स्ट्रगल कर रहे हैं अब अपने ही उलझे हुए सवालात में. ओके ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है. अब इनको आपके तरफ आना है, अब इनको आपका रियलाइजेशन हो रहा है, अब इनको आपकी ज़रूरत है, अब ये आपसे हाई लेवल कमिटमेंट की चाहते हैं, अब आपसे वो प्यार चाहते हैं. ओके सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है.
ओके एंड आपका इनका जो बिहेवियर जो पास्ट में था वो बिहेवियर से आप बहुत ज़्यादा पहली बात है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे और उसके वजह से ये पर्सन को अब आप यहाँ पर माफ़ नहीं करना चाहते हो। इस तरह की एनर्जी है, आप अब इनका इंटरफेरेंस नहीं चाहते हो। आप अगर यहाँ पर चाहते हो तो एक्चुअली है नहीं, बट यहाँ पर फिर भी अगर चाहोगे तो आप यही चाहोगे कि शायद ये पर्सन कम्प्लीटली सब एक प्रॉपर कमिटमेंट में आएगा तो ही हम यहाँ पर एग्री हो जाएंगे। बट राइट नाउ सिचुएशन ऐसी है कि आपका यहाँ पर ट्रस्ट या बिलीव सिस्टम पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं कैप्रिकॉर्न। अब आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हो, ये यहाँ पर है कि आप ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हो कि आज किया या अभी किया था ओके या ऐसे हुआ था। आगे फिर से ये पर्सन सेम सिचुएशन या सेम रिपीटेशन करेगा तो फिर क्या होगा। ओके सो यू आर केयरिंग अबाउट योर सेल्फ। ओके सो नाइस कैप्रिकॉर्न। सो कैप्रिकॉर्न यहाँ पर देखते हैं व्हाट्स आउटकम फॉर दिस रिलेशन शिप एंड डिवाइन गाइडलाइन। थैंक यू सो मच। ये रिलेशन के लिए कैप्रिकॉर्न के लिए क्या आउटकम आता है। जस्टिस ओके सो डिवाइन के तरफ से यहाँ पर जस्टिस मिलेगा आपको। ओके इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स अब आपकी पावर में रही है कैप्रिकॉर्न। ओके सो डोंट लॉस योर पावर। ओके एंड यहाँ पर जो आ रहा है कि आपने जो स्टैंड लिया है इज़ द बेस्ट फॉर यू। ओके आपने जो स्टैंड लिया है सो डिवाइन जो आपको एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग बनाना चाहता था सो यही वो राइट टाइम है। ओके सो आप यहाँ पर अपने अपने पावर में रहिए, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ या सेविंग के तरफ ध्यान दीजिए। सो जस्टिस प्लीज क्लैरिफाई द जस्टिस। थैंक यू सो मच डिवाइन। द टेम्पर सॉरी द एम्परर टेन ऑफ सॉर्ड्स एंड द जजमेंट। ओके सो यहाँ पर जस्टिस इस तरह मिल रहा है कि आपको आई डोंट नो ये जिनके लिए है। ओके सो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहा है कि ये रिलेशन से आपको बाहर निकलना है। ओके सो ये रिलेशन जो आपने स्टैंड लिया है ऑलरेडी आपने एक स्टैंड जो लिया है बट फिर भी अभी इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन है। ओके सो यहाँ पर डिवाइन कह रहा है कि ये आपको आपके जीवन का एक जजमेंट आपको दे रहा है। सो ये जजमेंट इतना अच्छा दे रहा है कि डिवाइन आपको इस रिलेशन से मूव फॉरवर्ड करने के लिए कह रहे हैं। ओके आगे निकलिए बिकॉज आपका यहाँ पर बहुत ग्रोथ है, आगे बहुत ग्रोथ है आपके। ओके सो इस जजमेंट को एक्सेप्ट कीजिए एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। ओके सम आई थिंक समवन न्यू लव इन एंटर इन योर लाइफ। ओके कोई तो भी है कि जो आपके लाइफ में रियल सोलमेट एंटर करेगा। सो पॉजिटिव एनर्जी। सो गाइस यहाँ पर कैप्रिकॉर्न आपने जो भी डिसीजन लिया इनको रियलाइजेशन अभी होगा या जो भी हुआ है सो अब यहाँ पर नहीं। ओके अब यहाँ पर नहीं, शायद आपका ये कार्मिक पैटर्न था। ओके सो वॉट एवर सो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको जो भी है सेपरेशन जो भी है आपका वो सेपरेशन लीजिए। यहाँ पर द टावर का भी कार्ड है। ओके ये पर्सन ने आपको जो जो भी फाइनेंशियली या मटेरियल लॉस या इमोशनली जितना डाउन करके रखा है उतना शायद किसी ने नहीं किया होगा। सो इसलिए यहाँ पर डिवाइन ने आपको यहाँ पर एक मौका दिया है, एक नया चांस दिया है आपके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। ओके सो मूव ऑन दिस रिलेशन, मूव फॉरवर्ड। ओके सो गाइस थैंक यू। मैं यहाँ पर चांस से कुछ मैसेज लेती हूँ डिवाइन की तरफ से कैप्रिकॉर्न आपके लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके सो गाइस यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स यहाँ पर आया है और एस ऑफ कप्स ये कह रहा है कि जो आपका डिज़ायर लव है
ओके, डिज़ायर लव है वो आपको आपका डिज़ायर लव ज़रूर मिलेगा। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर एक कहते हैं ना जैसे ये जजमेंट का जो एक हॉर्न है, ओके, एक एक शंख जैसा, ओके, सो ये शंख जैसा ऐसा जो आया है, दैट मीन्स यस, ये आपके लिए एक मैसेज ही है। ओके, डिवाइन के तरफ से एक साइन है एंड मैसेज है कि यस आपको यहाँ पर आप विनर बनोगे आपके लाइफ के, आपको आगे बढ़ना है। ओ माय गॉड, अगेन यहाँ पर लव का आया है। ओके, इफ़ यू आर ट्विन फ्लेम जर्नी, ओके, यू आर इन द ट्विन फ्लेम जर्नी, सो आपको वो ट्विन फ्लेम जर्नी आगे कैरी ऑन करनी है अगर आपके अवेकन पीरियड चल रहा है तो। ओके, सो ये यहाँ पर आया है, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो आपको आगे निकलना है और आपका राइट ट्रू सोलमेट आपके जीवन में जरूर मिलेगा, आपका डिजायर लो। सो योर साइकिल इज कम्प्लीटेड, ओके, आपकी साइकिल जो भी है, ओके, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून जैसा ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आपका जीवन का जो एक चक्र है, आपके जीवन का एक कहते हैं ना कि ये कब ख़त्म होगा, कब कब टाइम बदलेगा, सो नाउ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, योर टाइम इज चेंज। ओके, सो राइट टाइम इज स्टार्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन योर लाइफ इज कमिंग। ओके, सो यहाँ पर है कि वाह, सो यहाँ पर फाइव एलिमेंट्स की एनर्जी आ रही है। ओके, जो भी यहाँ पर शायद कहते हैं ना कि अपने जीवन में जो भी है फाइव एलिमेंट्स के ही हिसाब से चलता है। ओके, सो उसके लिए जो भी आप करना चाहते हो, यानी एक स्पिरिचुअलिटी का तरफ, ओके, जो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ है तो उन्होंने अपनी स्पिरिचुअलिटी को आगे लेकर जाना है। ओके, यहाँ पर रुकना नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है। ओके, सो थैंक यू सो मच डिवाइन। मैं यहाँ पर डेक से लेती हूँ गाइडलाइन फ्रॉम एंजल्स के तरफ से, तो आपके लिए क्या गाइडलाइन है फॉर दिस सिचुएशन। थैंक यू सो मच, इट्स अ बिग जजमेंट फॉर यू गाइज। ओके, सो एक्सेप्ट दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड क्लेम इट। ओ माई गॉड, अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सो टू कार्ड्स हियर इज द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, दैट मीन्स यहाँ पर क्लियर है कि आपको ये रिलेशन से मूव फॉरवर्ड करना है एंड आपको इंडिपेंडेंट लाइफ जीना है, बहुत स्ट्रांग लाइफ जीना है और आपको बड़ा पिक्चर देखना है और अपने आप को संवारना भी है। ओके, अपने आप को जिस तरह से अपने आप को एक आपकी पर्सनालिटी डेवलप करनी है। ओके, मे बी दिस इज द फेमिनाइन एनर्जी। ओके, वाह, टेम्परेंस, यू आर मल्टी टैलेंट पर्सन। ओके, आपके पास में इतनी टैलेंट है, बहुत सारे टैलेंट है, सो उस टैलेंट को डिवाइन अब बाहर निकालने वाला है, सो वो टैलेंट को आपको यूज़ करना है अपने लाइफ के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। ओके, सो इतना सब कुछ टैलेंट होने के बाद में भी आप बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में रहते हो, इट्स अ ग्रेट। ओके, सो फोर ऑफ कप्स, ओके, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, ओके, फोर की एनर्जी, वाह, इट्स अ ग्रेट। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपने ड्रीम देखा था और देख रहे हो कि फ्यूचर में आपका ड्रीम कंप्लीट हो जाए, यस, डेफिनेटली आपका ड्रीम कंप्लीट होगा। यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, योर सेकंड, योर लाइफ, मैंने जो कहा था ना व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका नेक्स्ट चैप्टर, आपके लाइफ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और आपने एक स्टेप आगे चल गए हो। ओके, सो बढ़ते जाओ, आगे चलते जाओ। ओके, शायद यहाँ पर किसी को अपना ऑफिस या घर समथिंग कुछ आप यहाँ पर बिल्ड करना चाहते हो या उसके लिए रेडी हो चुके हो और डिवाइन उसके लिए रेडी कर रहे हैं आपको। ओके, यू आर इंडिपेंडेंट, फुल ऑफ कॉर्ड्स, जो आप चाहते थे, आपका सोलमेट, आपका ट्रू सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, ओके, जो भी है, यहाँ पर यूनियन होगा या नहीं होगा कम्प्लीटली, बट विथ योर सोलमेट, नॉट अ कार्मिक। ओके, सो गाइज, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आप ज़रूर लिमिट कीजिएगा और आपके जीवन में सही पार्टनर ज़रूर मिलेगा और आपका यहाँ पर मैरिज ज़रूर होगा उस पर्सन के साथ। ओके, सो थैंक यू सो मच, मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।